तीनों के अपन ने सिंटैक्स देख लिया, डेफिनेशंस देख ली, और अपन ने सिंटैक्स देख लिया कि एक्चुअली इसको अपन को लिखना कैसे होता है, राइट। अब तीनों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक्चुअली प्रैक्टिकल में इनका यूज क्या है और अपन कैसे इसको यूज करते हैं। ओके ओके, मेरा जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके का है, टू चेक वेदर अ यूजर कैन वोट और नॉट, राइट। मुझे ये देखना है कि यूजर वोट कर सकता है कि नहीं, उसकी एलिजिबिलिटी को चेक करना है। तो एलिजिबिलिटी कैसे पता लगेगी अपन को? ऑब्वियसली उसकी एज के थ्रू, अपन यूजर से उसका एज पूछ लेंगे। अगर वो 18 से बड़ा है ना, 18 से ज्यादा उसका एज है, तो वो एलिजिबल है वोट करने के लिए, और अगर उसकी एज 18 से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है। ओके तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि इन चीजों को डिजाइन कैसे करना है। मैं आपको प्रैक्टिकल भी साथ में समझाती जा रही हूं, ठीक है। तो इफ एल्स के साथ साथ एक्चुअली क्या हम प्रैक्टिकल भी सीख रहे हैं। एक ये अपना फ्रेम है, फ्रेम की डिजाइनिंग अपन ने सपोज कुछ इस तरीके से करी होगी कि यहां पे अपन ने एक लेबल लिया, एंटर एज, ठीक है। यूजर से हम उसकी एज पूछ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल फ्रेम बनाएंगे अपन। यहां पे यूजर अपनी एज एंटर करेगा, ये हो गया एक लेबल, ये हो गया एक टेक्स्ट फील्ड। इस टेक्स्ट फील्ड का नाम अपन कुछ भी दे सकते हैं, सपोज अपन इसका नाम TF1 दे देते हैं, ठीक है। और यहां पर अपन एक दूसरा टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं जिसका नाम अपन TF2 दे देते हैं, ठीक है। ये वेरिएबल नेम्स होते हैं, वेरिएबल नेम्स अपन चेंज कर लेते हैं। ये चीज अपन ने 11th क्लास में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। यहां पे अपन ने एक बटन दे दिया चेक करने के लिए, ये चेक, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है अपना, क्या करना है, यूजर से एज एंटर करवानी है और उसके हिसाब से उसको यहाँ पे आउटपुट बताना है कि वो वोट कर सकता है कि नहीं, ठीक है। और ये कैसे, इस बटन पे क्लिक करने पे बताना है अपन को। ओके तो चलिए कोडिंग देख लेते हैं, कैसे कोडिंग करेंगे, इस चीज में क्या यूज होगा अपना, इफ और इफ एल्स, ठीक है, दोनों का यूज होगा। तो मैं दोनों का बता देती हूँ। पहले अपन बात करते हैं इफ की, पहले अपन इफ स्टेटमेंट सीखेंगे, राइट। चलिए यहां पर यूजर से एज लेना है, ये यहां पर यूजर से एज लेना है, तो एक वेरिएबल लेना होगा और एज एक नंबर होता है, तो यानी कि इंटीजर वेरिएबल होगा। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट एज, मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया एज, ठीक है, और उसका टाइप ले लिया इंट। यहां पर मैंने लिखा इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये वैल्यू कहां से लेनी है मुझे एज के अंदर, वैल्यू कौन से वाले फील्ड में से आ रही है, इस फील्ड में से, इस फील्ड का नाम क्या है TF1, तो मैंने लिखा TF1 डॉट गेट टेक्स्ट। ओके अब मैंने लगाई इफ कंडीशन, ठीक है। एक बार पहले पूरा देख लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं। एज, एज को ही कंपेयर करना है ना, तो एज इज ग्रेटर देन 18 है ना, तब क्या हो, यहां पर एक स्टेटमेंट आए, और वो स्टेटमेंट क्या आए, स्टेटमेंट यहां आना चाहिए कि यू कैन वोट, तो इसका वैल्यू, इसका नेम क्या है TF2, तो क्या बोला मैंने, यहां लिखेंगे अपन TF2 डॉट सेट टेक्स्ट, ओके यू कैन वोट, ऑल राइट एंड फिनिश। सिर्फ इतना सा प्रोग्राम है अपना, देख लीजिए क्या करना है अपन को। सबसे पहले मुझे यहां पर यूजर से कोई वैल्यू चाहिए, यहां पर मुझे यूजर से वैल्यू चाहिए, और मुझे इतना पता है कि वो जो बंदा वैल्यू डालेगा वो कैसा डालेगा, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि एज कितनी भी डाले वो, 0 से लेके 100 तक कुछ भी एज डाले, वो एज क्या होगी, एक इंटीजर होगी, है ना। तो अपन को जो यूजर से वैल्यू लेनी है वो इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो उसके लिए जो अपन वेरिएबल असाइन करेंगे वो भी एक इंटीजर तरह का असाइन करेंगे। तो मैंने एक वेरिएबल असाइन किया एज, इंटीजर तरह का वेरिएबल असाइन किया, तो मैंने ले लिया इंटीजर एज, ठीक है। और अपन को पता है कि जब भी अपन न्यूमेरिक वैल्यू यूजर से लेते हैं तो अपन को पार्सिंग की जरूरत पड़ती है ना, ये मैंने पार्सिंग के टाइम पे समझाया था। तो अपन ने लिख दिया कि इंटीजर एज इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ब्रैकेट में वो फील्ड लिखो जहां से वैल्यू आ रही है, इस वेरिएबल के अंदर जहां से भी वैल्यू चाहिए वो फील्ड आ जाएगा। तो कहां से चाहिए थी अपन को वैल्यू, TF1 में से, तो मैंने लिख दिया TF1 डॉट गेट टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या काम है हमारा, कंपेयर करना। तो मैंने बोला इफ कंडीशन, मैंने सिंटेक्स में बताया था आपको यहां कंडीशन आती है, तो इफ कंडीशन में क्या बोला, एज इज ग्रेटर देन 18 है ना, तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18 तब क्या हो, ये चीज एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो क्या एग्जीक्यूट करवाना है, TF2 जो है यहां पर सेट करवाना है कि यू कैन वोट। तो क्या बोल दिया अपन ने, TF2 क्या हो जाएगा, TF2 डॉट सेट टेक्स्ट यू कैन वोट। जब यूजर से वैल्यू लेनी होती है तो गेट टेक्स्ट करते हैं, जब उसको डिस्प्ले करवाना होता है तो अपन क्या लिखते हैं, सेट टेक्स्ट, तो लिख दिया TF2 डॉट सेट टेक्स्ट। ओके सो आई होप यहां तक आपको समझ में आया, कोई डाउट नहीं है।
अब इसी एग्जाम्पल को करते हैं नंबर टू इफ एल्स स्टेटमेंट से. इफ एल्स स्टेटमेंट क्या हो गया यहां पे देखिए, अगर यूजर ने सपोज 45 डाला होगा तब तो यू कैन वोट आ जाएगा क्योंकि एज 45 इज ग्रेटर देन 18 है ना. सपोज यूजर ने यहां डाला 45, तो इसने क्या किया, यूजर ने एज ली, यूजर से एज ली, फिर यहां पे क्या कंपेयर किया, 45 इज ग्रेटर देन 18, यस ट्रू है ना. तो क्या बोल दिया उसने, यू कैन वोट, तो यहां पे आ जाएगा यू कैन वोट. लेकिन व्हाट इफ यूजर ने 15 डाला हो, अगर यूजर ने यहां 15 डाला होगा तो यहां वैल्यू क्या आएगी, 15 इज ग्रेटर, नो फॉल्स. अब ये फॉल्स हो गई तो कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि सही प्रोग्राम कब बनेगा, जब अपन उसको यहां बताएं कि यू कैन नॉट वोट, राइट. तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे. तो सेम प्रोग्राम बिल्कुल सेम तरीके से लिखा जाएगा. मैंने बोला इंटीजर एज इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट, ये वैल्यू मिली TF1 में से, ओके. फिर हमने कंपेयर किया इफ एज इज ग्रेटर देन 18 एंड यहां स्टेटमेंट दिया TF2 डॉट सेट टेक्स्ट यू कैन वोट, ओके. अब देखिए यहां पे मैंने लिख दिया एल्स, ठीक है. सिंटेक्स याद होगा क्या लिखा था अपन ने, इफ कंडीशन उसका स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, खाली स्टेटमेंट. तो यहां पे खाली स्टेटमेंट आएगा, कोई कंडीशन नहीं आएगी, स्टेटमेंट हो जाएगा TF2 डॉट सेट टेक्स्ट यू कांट वोट, सिंपल खत्म कहानी, राइट. तो आई होप आपको ये समझ में आया. देखिए क्या करेंगे, अपन ने बोला इंटीजर एज इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इंट TF1 डॉट गेट टेक्स्ट, है ना. मतलब यहां पर TF1 के अंदर बंदे ने जो भी वैल्यू पुट करी, यूजर ने, ठीक है, यूजर ने जो भी वैल्यू पुट करी वो किस में चली गई, इस वेरिएबल के अंदर आ गई, ठीक है, एज के अंदर आ गई. अब एज को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ, 18 के साथ. सपोज यूजर ने डाला होगा 55, तो क्या 55 ग्रेटर देन 18 है, हाँ है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा यू कैन वोट और बस अपन बाहर आ जाएंगे, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. लेकिन इन केस अगर यूजर ने यहां 12 डाला होगा तो ये क्या चेक करेगा, क्या 12 इज ग्रेटर देन 18 है, नहीं है, है ना, फॉल्स आ गया. तो ये वाला जो स्टेटमेंट था उसको स्किप करेगा और अपन जंप करके एल्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे और ये वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, यू कैन नॉट वोट, ओके. सो आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको इफ और इफ एल्स क्लियर हुआ, राइट. चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं एल्स इफ लैडर, या एल्स इफ का क्या यूज है जब अपन मल्टीपल कंडीशंस देते हैं, ओके. जो थर्ड हमारी इफ एल्स कंडीशंस थी उसमें है एल्स इफ, राइट. तो इसको समझ लेते हैं. मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है, जब हमको मल्टीपल कंडीशंस देनी हो, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा कंडीशन देनी हो, तब अपन इसका यूज करते हैं, ओके. तो जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं परसेंटेज का, परसेंटेज के बेसिस पे अपन ग्रेड्स असाइन करते हैं, है ना. तो छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं. सपोज परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, तब ग्रेड ए देना है. परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60, ग्रेटर देन 60 मतलब 60 से लेके 90 के बीच में, तब क्या जाना चाहिए, बी ग्रेड. अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40 तो सी ग्रेड, और लेस देन 40 वाले जितने भी हैं उनको अपन को डी ग्रेड दिलवाना है, ओके. तो इसके लिए फ्रेम अपन कुछ इस तरह सा डिजाइन कर लेंगे, बिल्कुल सिंपल फ्रेम, कुछ नहीं किया मैंने. एंटर परसेंटेज, है ना, सबसे पहले ये लेबल ले लिया. यहां पे अपन ने यूजर से बोला एंटर द परसेंटेज, तो यहां पे यूजर परसेंटेज को एंटर करेगा. देन ग्रेड, यहां उसका ग्रेड अपन को डिस्प्ले करवाना है डिपेंडिंग अपॉन हिज परसेंटेज. जितना भी परसेंटेज एंटर करेगा उस हिसाब से उसका ग्रेड अपन को यहाँ पे शो करना है. सपोज उसने क्या एंटर किया, 65 एंटर किया, तो हम ऊपर अपनी कंडीशंस देख लेते हैं. 65 मतलब ग्रेटर देन 60 आ रहा है, तो उसको ग्रेड क्या जाना चाहिए, बी जाना चाहिए, तो यहाँ बी आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. जब अपन इस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे ग्रेड आना चाहिए, यही चीज अपन को करना है, ठीक है. तो चलिए इसके लिए अपन को किसका यूज करना है, ये एल्स इफ स्टेटमेंट्स का यूज करना है, ओके. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना. फिर से अपन को एक इंटीजर वेरिएबल लेना है ना. इंटीजर में अपन यहाँ पे परसेंटेज एंटर करवाएंगे.
अब ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि परसेंटेज हम राउंड ऑफ में ले रहे हैं, सारे ही परसेंटेजेस अगर आप इंटीजर में ले रहे हो तो आप इंट डेटा टाइप लोगे, लेकिन अगर आप फ्लोटिंग वैल्यू ले रहे हो, जैसे परसेंटेज अगर बंदा एंटर कर रहा है 97.5 जो कि एक फ्लोटिंग वैल्यू है, तब अपन को यहाँ पे इंट नहीं लेना है, फिर अपन को यहाँ पे क्या लेना है, फ्लोट लेना पड़ेगा। ओके, अभी मैं ये अज्यूम करके चल रही हूं कि परसेंटेज सारे इंटीजर में ही एंटर होंगे, तो मैंने बोला इंट पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, इंटीजर डॉट पार्स इंट, और ये वैल्यू मुझे कहां से मिल रही है, कौन से वाले टेक्स्ट फील्ड में से, TF1, इसका भी नाम मैंने TF1 दिया है ना, तो TF1 डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, तो ये परसेंटेज नाम के वेरिएबल में, पर नाम के वेरिएबल में यहां से वैल्यू आ गई। अब बस कंपेयर करना स्टार्ट करना है, तो अपन ने बोला इफ कंडीशन दे दो, परसेंटेज इज ग्रेटर देन, ये देखिए ये कंडीशन है अपनी, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90, सेम चीज अपन यहां पे लिख देते हैं, परसेंटेज इज ग्रेटर देन 90। अगर ये चीज है, अगर ये ट्रू है, तो क्या होना चाहिए, ये वाला जो बॉक्स है जिसका नाम है TF2, TF2 में कौन सा टेक्स्ट सेट हो जाए, सेट टेक्स्ट ए, सिंपल, ठीक है। फिर दीजिए एल्स इफ परसेंटेज, सेकंड वाली कंडीशन क्या थी, ग्रेटर देन 60, तो सेकंड दे देते हैं, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 है ना, ये आ गई कंडीशन, ये देखो एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, तो TF2 डॉट सेट टेक्स्ट क्या हो जाए, बी, एल्स इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40, तो TF2 डॉट सेट टेक्स्ट क्या हो जाए, सी, ओके, एल्स। अब ये देखिए लेस देन 40 वाले जितने भी है सारे डी में आ रहे हैं, और कोई कंडीशन नहीं है यहां पे, है ना, ग्रेटर देन 40 वाले सी आ गए, तो लेस देन 40 यानी जितने भी 0 से 40 जितने भी होंगे वो सारे लेस देन 40 होंगे, है ना, तो वो डी में आ रहे हैं, तो अपन को कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, आखिरी में खाली अपन एक यहां पे स्टेटमेंट दे देंगे, TF2 डॉट सेट टेक्स्ट डी, सिंपल, प्रोग्राम तैयार, राइट। देखिए अगर मैंने परसेंटेज सपोज डाला 20, तो यहां से जैसे ही अपन ने प्रोग्राम रन करना स्टार्ट किया, क्या हुआ, इंटीजर परसेंटेज इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट, TF1 से वैल्यू मिली, ठीक है, परसेंटेज में क्या मिली, यहां मैंने क्या वैल्यू डाली, 20, परसेंटेज में क्या मिला, 20, है ना, तो ये चेक करेगा इफ इसकी वैल्यू क्या है, 20, सो 20 इज ग्रेटर देन 90, क्या 20 ग्रेटर देन 90 है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट पे आ गए, यहां आ गई वैल्यू 20, क्या 20 ग्रेटर देन 60 है, नहीं है, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे यहां पहुंच गए। अब इसमें चेक किया, क्या 20 ग्रेटर देन 40 है, बिल्कुल नहीं है, है ना, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, सीधे यहां पहुंच गए, और एल्स वाला पार्ट क्या था, डी, ये एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखिए अपना प्रोग्राम सही चला, डी में क्या ये क्या एग्जीक्यूट किया उसने, डी ग्रेड, तो बिल्कुल प्रोग्राम सही चला, क्योंकि हमारा जो 20 है वो लेस देन 40 होता है, तो यहां पे ये डी ग्रेड आ गया, राइट। सेम वे कोई और बंदा ग्रेड जो भी डालेगा, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वो वाला स्टेटमेंट आ जाएगा, और वो वाले स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, ग्रेड लिखा हुआ है, तो ग्रेड यहां पर आ जाएगा। ऑलराइट, यही होती है मल्टीपल कंडीशंस। आई होप दिस इज क्लियर, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, थैंक यू।